आर्टिकल 35 ए पर बोले राज्यपाल, बहस करने का समय नहीं है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी से कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, इसलिए वो आर्टिकल 35 ए और आर्टिकल 370 पर कोई स्टैंड ना लें। सत्यपाल मलिक इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों से लगातार बैठक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर बीते 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि आर्टिकल 35 ए पर बहस या किसी तरह की चर्चा के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में यदि निकाय चुनाव तय समय पर नहीं करवाए गए तो केंद्र की तरफ से मिलने वाले 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम पर असर पड़ सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को अगले साल जनवरी तक के लिए टाल दिया था। सुकेतर में ट्रक से AK-47 और 3 मैगजीन बरामद, 3 संदिग्ध आतंकी फरार। जम्मू कश्मीर के सुकेतर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान जम्मू पुलिस ने नेशनल हाईवे पर कटरा क्रॉसिंग के समीप एक ट्रक से AK-47 और 3 मैगजीन बरामद की हैं। हालांकि ट्रक के चालक और कंडक्टर को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। वहीं ट्रक में सवार 3 संदिग्ध आतंकी मौके से फरार हो गए। आतंकी वहां से हवा में फायरिंग करते हुए भाग गए। हवाई फायरिंग के दौरान वहां पर मौजूद एक फॉरेस्ट गार्ड गोली लगने से घायल हो गया है। 3 संदिग्ध आतंकियों की तलाश में पूरे क्षेत्र में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर लिया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी भी संदिग्ध के दिखने पर पुलिस को जानकारी देने का आग्रह किया गया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में हिस्सा लेगी, राम माधव। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में हिस्सा लेगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद भाजपा अपनी राजनीति का ऐलान करेगी। साथ ही एनसी और पीडीपी पर राज्य के लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया रोकने के लिए बहाना बनाने का आरोप लगाया है। भाजपा की राज्य इकाई की बैठक के बाद माधव ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमने पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की है। हमने सर्वसम्मति के साथ चुनाव में शामिल होने का फैसला किया है। जैसे ही चुनाव की समय सारणी की घोषणा हो जाती है, वैसे ही पार्टी अपनी राजनीति का ऐलान करेगी। पंचायत चुनाव से पहले वोटर्स को आतंकियों की धमकी, कहा साथ लेकर आए कफन। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू ने उम्मीदवारों को जान से मारने की धमकी दी है। उसने धमकी दी है कि चुनाव में भाग लेने वालों पर एसिड अटैक किए जाएंगे। उसने एक ऑडियो मैसेज के जरिए कहा, न मानकर बढ़ते समय अपने साथ कफन लेकर आए। हर तरफ चुनाव को लेकर खौफ का माहौल है। पीडीपी के विधायक व पूर्व सरपंच एजाज अहमद ने कहा कि कश्मीर में लोग नेताओं से नाराज हैं, इसके अलावा यहां आतंकवादी खतरा है, कोई भी मरना नहीं चाहेगा। सीबीआई ने फर्जी गन लाइसेंस मामले में दर्ज की 2 एफआईआर, जारी हुए 4.2 लाख फर्जी गन लाइसेंस। राज्य में लाखों की संख्या में जारी फर्जी गन लाइसेंस मामले में सीबीआई ने दिल्ली में 2 एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच की जिम्मेदारी डीएसपी पवन शुक्ला को सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मामला दर्ज होने के साथ ही गन फैक्ट्री मालिकों में डीलरों पर सीबीआई का शिकंजा कस जाएगा। राजस्थान और जम्मू कश्मीर सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने आरसी 28 और 29 में मामला दर्ज किया है। दोनों राज्यों की सरकार ने पाया कि जम्मू कश्मीर से ही पिछले एक दशक से 4.2 लाख फर्जी गन लाइसेंस जारी किए गए हैं। उधमपुर, जम्मू, राजौरी, शोपियां, बांडीपोरा और कुपवाड़ा जिले में सबसे अधिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। से मिला के हाथ चलना हमें है साथ साथ, रास्ते रोशन यहाँ मंजिल करे नई बात बात, चलना है लेके काफिले, बढ़ना है मिटा के फासले, पाना है आज तो आसमान भी देखा है। प्रयाग बारा यूनिवर्सिटी, मेक योर मार्क ऑन द रोड्स ऑफ सक्सेस। एडमिशन ऑफिस एट बाहू प्लाजा, हॉल नंबर 304, थर्ड फ्लोर A2, साउथ ब्लॉक जम्मू। ब्रांच ऑफिस एट कठुआ एंड उधमपुर, कॉन्टैक्ट नंबर 9070234234।